खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि सब लोग बहुत बेहद दुखी है पुलवामा में जो कुछ हुआ, पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, भारत में भी लोग काफी अफसोस जता रहे हैं, बहुत ही बुरी घटना है। जैसे कि आपसे सवाल पूछा गया था, आपने कहा कि बहुत हो गया, बहुत लोगों के मन में ये फीलिंग है, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है दो देशों के बीच में या दुनिया में, जब वॉर होता है या कुछ भी होता है इस तरह की बड़ी घटना, तो माना जाता है कि जो आर्ट है वो ही बचा सकता है रिलेशनशिप को और वो ही ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। ऐसे में आर्टिस्ट को बैन करना और जो कल्चरल एक्सचेंज होता है उसे भी बैन कर देना, स्पोर्ट्स को बैन कर देना, आपको क्या लगता है कि वो सही है? मुझे, मैं खुद मानती हूँ कि देयर इज नो बेटर वे टू ब्रिंग पीपल टुगेदर देन द आर्ट्स, यू नो, वेदर इट्स म्यूजिक, डांस, थिएटर, मूवीज, व्हाटएवर। बट इस बार आई डोंट नो क्यों, आई थिंक मे बी वी शुड जस्ट फॉर नाउ टेक अ ब्रेक, देखते हैं, सम टफ कॉल्स विल हैव टू बी टेकन एट सम पॉइंट, यू नो। I think we as Indians are very large-hearted, accepting, forgiving. पर एक वक्त के बाद ना, क्या बात है, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर ऑल योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।